में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में बिजली बिल आप घर बैठे आप ऑनलाइन जमा कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन जमा करने का क्या है प्रोसेस, कौन सा वेबसाइट में जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में क्या करना है, गूगल में जैसे टाइप कीजिएगा झारखंड, एकदम शॉर्ट भाषा में लिखे झारखंड बिजली बिल पेमेंट। जैसे आप बिजली बिल डालिएगा तो आपको JBNL करके आएगा शॉर्ट में, झारखंड बिजली मंत्रालय निगम लिमिटेड का शॉर्ट JBBN। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे एक नया डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का एक आएगा, उसके बाद यहाँ से आपको देखना न्यू कनेक्शन यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद इमरजेंसी बिल पेमेंट, तो यहाँ पे आप इमरजेंसी बिल पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे इमरजेंसी बिल पेमेंट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो पूछा जाएगा, एक तो आपको कंज्यूमर नंबर है तो वो डालिए या बिल नंबर है तो वो डालिए। आपके पास कंज्यूमर नंबर जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद आप किस क्षेत्र में आते हैं, सभी क्षेत्र का यहाँ से आ जाएगा। जिस क्षेत्र में आते हैं वो आप टाइप करेंगे, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमर नंबर जो आपको बिल दिया है उसमें एक कस्टमर नंबर रहता है, आपको यहाँ से कस्टमर आईडी, यहाँ पे अगर नगर में आते हैं और दुकान के लिए तो GDCS करके आएगा, उसको यहाँ से आपको लिख करके आपको सर्च पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे पुनः एक नया डैशबोर्ड खुल के आएगा। जैसे आप डालने के बाद आपको पुनः आप स्क्रीन पे एक पुनः ऑनलाइन इमरजेंसी पेमेंट का आएगा, उसके बाद बिल नंबर और उसके बाद आपको यहाँ से खाता नंबर को देखने को मिलेगा, कंज्यूमर नंबर। जैसे जैसे आप कंज्यूमर नंबर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको कंज्यूमर तो आपके स्क्रीन पे आएगा। जैसे आप कस्टमर नंबर जो जिससे आप बिल पेमेंट करना चाहते हैं कंज्यूमर नंबर से, तो कंज्यूमर नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर तो वो डालेंगे और गेट बिल डिटेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे पुनः एक नया पुनः डैशबोर्ड खुल के आएगा। चलिए हम यहाँ पे कंज्यूमर नंबर और गेट बिल डिटेल में क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप करेंगे कंज्यूमर डिटेल में डालने के बाद आपको कस्टमर का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, बिल नंबर, बिल मंथली ड्यू किया है वो देखने को मिलेगा, अमाउंट देखने को मिलेगा, मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पे आपको मेके पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे मेके पेमेंट पे क्लिक करेंगे पुनः एक नया पेज डैशबोर्ड खुल के आएगा। आने के बाद आपको पुनः आपको यहाँ पे बिल देखने अमाउंट देखने को मिलेगा, फिर पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है पेमेंट करने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन दिया गया है, या तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो सबसे जो है अच्छा नेट बैंकिंग से कोशिश कीजिएगा, जैसे पेमेंट फंसता नहीं है, कोई भी चीज़ में नहीं फंसता है, सर्वर इशू के कारण कभी कभार होता है। तो आप नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे, जैसे नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको बैंक सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि किस बैंक में आपका नेट बैंकिंग है। तो यहाँ से आपको नेट बैंकिंग आपको सिलेक्ट करना है, तो जो भी बैंक है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अमाउंट देखने को मिलेगा कि आपका अमाउंट क्या है, और यहाँ कुछ नेट बैंकिंग का जो चार्ज है वो आपको काटेगा। उसके बाद कन्फर्म करना है, जैसे कन्फर्म करेंगे थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक हो जाना है। लॉगिन पे क्लिक होने पर एक मोबाइल में OTP आएगा, OTP डालिएगा आपका जो है, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद आपको बिल आ जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप पेमेंट करने के बाद OTP डालने के बाद कन्फर्म करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको इस प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट मिलेगा। रिसिप्ट में आपको ट्रांजैक्शन डेट मिलेगा, स्टेटस अगर सक्सेसफुली है तो सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन टाइप, अमाउंट, वो आने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट रिसिप्ट पे करेंगे आपको झारखंड बीज मंत्रालय निगम लिमिटेड का एक रसीद निकल जाएगा। यह रसीद को आपको रखना है और अगर ऑनलाइन जमा नहीं होता है तो ऑफिस में जाके इसको क्लेम करना है। तो इस प्रकार आप झारखंड बिजली बिल का घर बैठे आप बिजली बिल जमा कर सकते हैं। धन्यवाद।